हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनलिमिटेड एजुकेशन। मैं हूं रिंकी कुमारी। आज से हम लोग इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने भी हमारे YouTube चैनल अनलिमिटेड एजुकेशन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, उन लोगों के लिए प्लीज अनलिमिटेड एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, जिससे जितनी भी वीडियोज अपलोड होंगे आप लोग को अपडेट मिलते रहेंगे। इंग्लिश ग्रामर का सबसे पहला टॉपिक आर्टिकल्स, आर्टिकल्स से हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल्स। क्वेश्चन अराइज होता है हम लोग का कि आर्टिकल्स होता क्या है, तो ये तो सब लोगों को पता ही होगा कि आर्टिकल्स ए एन और द को आर्टिकल्स बोला जाता है। क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि आर्टिकल्स का यूज हम लोग करते क्यों है, तो इसका प्रयोग किसी भी नाउन को इनडिफिनिट और डिफिनिट बनाने के लिए किया जाता है। इतना तो सबको पता होगा, अगर हमने ये जब बोला है कि डिफिनिट और इनडिफिनिट बनाने के लिए किया जाता है, तो क्वेश्चन ये भी अराइज होगा कि डिफिनिट क्या होता है और इनडिफिनिट क्या होता है। चलो तो शुरू करते हैं। ये जो आप लोग का आर्टिकल्स है, आर्टिकल्स में क्या आता है, आर्टिकल्स में आता है आप लोग का ए एन और द, ये तीन का यूज करते हैं, इसी को बोला जाता है आर्टिकल्स। ये जो आर्टिकल्स है ये दो टाइप का होता है आप लोग का, एक होता है डिफिनिट और दूसरा होता है आप लोग का इनडिफिनिट। डिफिनिट, डिफिनिट को हम लोग निश्चित हिंदी में बोलते हैं ना, कोई भी चीज निश्चित या बोल सकते हैं स्पेसिफिक, और इनडिफिनिट यानी अनिश्चित। मैं हिंदी के साथ इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी आप लोगों को बताऊंगी, ताकि आप लोगों को किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं हो। ये नहीं कि आप लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हो तो मैं लेक्चर देते रहूं इंग्लिश पे ताकि किसी को समझ में नहीं आए। मैं जब भी पढ़ाऊंगी आप लोगों को, कोई भी आर्टिकल्स हो, सब्जेक्ट वर्ब आर्गुमेंट हो, नाउन प्रोनाउन प्रीपोजिशन जो भी हो, मैं आप लोग को इंग्लिश के साथ साथ आप लोग को हिंदी में भी बता दूंगी, ताकि किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, आर्टिकल दो टाइप के होते हैं, एक को बोला जाता है डिफिनिट आर्टिकल और दूसरा को बोला जाता है इनडिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट यानी कोई चीज मेरा निश्चित है, और इनडिफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, मतलब उसके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। ठीक है, डिफिनिट में मेरा द आर्टिकल का यूज होता है। जब भी द यूज हो तो समझ जाना कि वो डिफिनिट है, यानी श्योर, उस चीज के बारे में मुझे पता है। और अनिश्चित में हम लोग का ए और एन आर्टिकल का यूज होता है, यानी अनिश्चित, किसी नाउन को के पहले ए और एन का यूज करते हैं उस नाउन के बारे में बताने के लिए कि वो निश्चित है या अनिश्चित। चलो इस पर एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले है अनिश्चित यानी इनडिफिनिट। एक छोटा सा एग्जाम्पल है लेते हैं, जैसे कोई एग्जाम्पल है कि ए बेगर हैड स्टोलन योर शर्ट। यहाँ पे हमने ए आर्टिकल का यूज किया। ए आर्टिकल का यूज क्यों किया, क्योंकि इस सेंटेंस में मुझे बेगर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बेगर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। एक भिखारी, ए का मतलब क्या बोलते हैं, एक भिखारी या कोई भिखारी, कोई भिखारी यानी अनिश्चितता का बोध कराता है कि मुझे नहीं पता है कि वो कौन भिखारी है, कहाँ पे रहता है, जो मेरा शर्ट चुरा के ले गया। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे ए का यूज किए हैं। और एक एग्जाम्पल हम लोग द का लेते हैं। एग्जाम्पल है दिस इज द हाउस इन विच आई लिव। देखो यहाँ पे जब हम लोग हाउस, हाउस मेरा यहाँ पे नाउन है, और नाउन को हम लोग यहाँ पे डिफिनिट बना रहे हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे द का यूज कर रहे हैं और द जो है मेरा वो डिफिनिट डिफिनिट आर्टिकल को बता रहा है। ठीक है, इस सेंटेंस का हिंदी क्या हुआ कि यह वही घर है, या बोल सकते हो कि यह वह घर है जिसमें मैं रहता हूं। यहाँ पे मैंने नाउन से पहले जो आर्टिकल द का यूज किया है, मैंने यहाँ पे उसको निश्चित बोध करा दिया है कि यह घर वही है, बता दिया है घर के बारे में कि यह वही घर है जहाँ पे मैं जिसमें मैं रहता हूँ। ठीक है, यही आर्टिकल था। आर्टिकल ए एंड द है। आर्टिकल दो टाइप का होता है, डिफिनिट और इनडिफिनिट। डिफिनिट मतलब कोई चीज निश्चित, और इनडिफिनिट यानी कोई चीज अनिश्चित। इनडिफिनिट में आप लोग का ए और एन का यूज हो गया, और डिफिनिट में आप लोग का द का यूज हो गया। ये आर्टिकल था। अब आर्टिकल के बारे में हम लोग कुछ रूल देखेंगे, रूल फॉर या रूल ऑफ आर्टिकल्स।
रूल एंड करेक्ट यूज ऑफ आर्टिकल, यूज ऑफ ए एम, ठीक है। आर्टिकल्स में बहुत सारे रूल है, मैं एक एक रूल करके एक एक रूल बताऊंगी और अच्छे से डिफाइन करूंगी, ज्यादा मैं नहीं बताऊंगी, बस रूल एक से दो या तीन रूल ज्यादा से ज्यादा बताऊंगी। और आप लोग जैसे जैसे अभी बिगिनिंग से मैं शुरू कर रही हूँ, ना ज्यादा फास्ट पढ़ाऊंगी और ना ही ज्यादा स्लो पढ़ाऊंगी। बहुत सारे एग्जाम है, बैंक का एग्जाम हो या एसएससी का एग्जाम हो, जो भी एग्जाम आप लोग दे रहे हो, सबके लिए इंग्लिश मस्ट है, इसलिए मैं बिगिनिंग से शुरू कर रही हूँ आर्टिकल से, ताकि आप लोग इंग्लिश ग्रामर का जितना भी कॉमन एरर, क्लोजिंग टेस्ट, ये जितना भी आप लोग का बेसिक होना सारा क्लियर हो जाए। चलो सबसे पहला रूल क्या बोलता है, रूल वन जो है आप लोग का, सबसे पहले हम लोग ए और एन का यूज देखेंगे कि कहाँ कहाँ हम लोग ए और एन का यूज कर सकते हैं। तो रूल वन, रूल वन में हम लोग इसका फर्स्ट, रूल वन का फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि इफ द वर्ड बिगिनिंग विथ कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट क्या होता है और भॉवेल क्या होता है, कितने कॉन्स्टेंट होते हैं और कितने भॉवेल होते हैं, इतना आई थिंक सबको पता होगा, ठीक है। तो ये इतना बेसिक मैं बताऊंगी नहीं कि कॉन्सोनेंट क्या होता है। देखो कॉन्सोनेंट को हम लोग हिंदी में व्यंजन, हम लोग पढ़े हैं ना स्वर और व्यंजन, तो कॉन्सोनेंट को व्यंजन बोला जाता है और भॉवेल को स्वर बोला जाता है, ठीक है। इसमें आप लोग ज्यादा दिमाग मत लगाना, कोई भी दिमाग लगाने की बात नहीं है, ये सब बेसिक है और सबको पता है। अगर कोई कॉन्सोनेंट, कोई वर्ड दिया हुआ है और वो कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, तो इसका मतलब हम लोग ए का यूज करेंगे। ये तो सबसे पहला रूल है आर्टिकल्स का, सबसे पहला रूल है कि कोई कॉन्सोनेंट है, मतलब कोई वर्ड है, अगर वो कॉन्सोनेंट से शुरू होता है तो हम लोग ए का यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में हो गया ए पेन, बॉक्स, टेबल, ए कार, अ बुक। अब कैसे बोलोगे कि ये कॉन्सोनेंट है? देखो अगर भॉवेल, सबको पता है, सबको पता है कि 26 लेटर जो होते हैं उसमें आप लोग का अगर 5 वॉवेल हो गया, यानी 21 कॉन्सोनेंट हो गया, और कॉन्सोनेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, जो भी अगर वर्ड है कॉन्सोनेंट से शुरू होता है तो हम लोग ए का यूज करते हैं, और वॉवेल है तो एन का यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे पेन है, यहाँ पे पेन, जब हम लोग जो पेन जो लिखते हैं तो हिंदी इसका उच्चारण करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, पेन, ये बोलते हैं ना। इसका पहला वर्ड क्या है, प, और जब हम लोग हिंदी में बोलते हैं प, यानी ये व्यंजन, ये व्यंजन साउंड कर रहा है ना। आप लोग इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी ध्यान देना, बॉक्स का, पेन का प हम लोग ले लेते हैं, बॉक्स का प ले लेते हैं, टेबल यानी ट, कार यानी क, बुक यानी ब, ये जो भी देख रहे हो आप लोग, ये सब व्यंजन, व्यंजन साउंड कर रहे हैं, और व्यंजन के आगे हम लोग किसका यूज करते हैं, तो आर्टिकल ए का यूज करते हैं। कॉन्सोनेंट के आगे क्या यूज करते हैं, तो आर्टिकल ए का यूज करते हैं, ओके। चलो नेक्स्ट रूल देखते हैं, आप लोग अभी रूल वन ही चल रहा है, उसी का ये सब पार्ट है। दूसरा रूल बोलता है कि इफ द वर्ड बिगिनिंग विथ वॉवेल बट गिविंग द साउंड ऑफ अ कॉन्सोनेंट, बोल रहा है कि ये जो वर्ड जो आप लोग का दिया हुआ है, ये शुरू तो हो रहा है वॉवेल से, शुरू हो रहा है वॉवेल से, जितना भी है ना वॉवेल, यहाँ ओ यू ई यू यू यू, ये सारा बिगिनिंग मतलब शुरुआत जो आप लोग का, ये सारा वॉवेल से हो रहा है, लेकिन जब इसका उच्चारण हम लोग करते हैं तो ये हम लोग को कॉन्सोनेंट साउंड देता है। वो कैसे, तो देखो आर्टिकल तो हम लोग ये जो ए का यूज किए ये तो बाद में करना, आप लोग पहले ये समझो बोल रूल क्या बोल रहा है, कि देखने में क्या लग रहा है कि सारा आप लोग का शुरुआत हो रहा है सारा वॉवेल से, लेकिन जब इसका उच्चारण हम लोग करते हैं तो वो कॉन्सोनेंट साउंड देता है। कैसे, ए वन डे टिकट, वन डे की टिकट, देखने में तो आप लोग ओ देख रहे, ओ है तो कोई एन लगा के आ जाएगा, नहीं, आप लोग हिंदी उच्चारण पहले करना, हिंदी उच्चारण करोगे तो इसको क्या लिखोगे, वन डे टिकट, आप लोग का क्या साउंड आया, वो आया, और वो क्या शो करता है, ये व्यंजन ध्वनि शो करता है, और व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट। सारा एग्जाम्पल इसी तरह, यूनिवर्सिटी, शुरुआत हो रहा है यू से, लेकिन जब आप लोग का इसका उच्चारण अगर हिंदी में करते हो तो यू, यो का यूज होता है, ये आप लोग का कॉन्सोनेंट हो जाएगा। यूरोपियन,
बिगनिंग हो रहा है ई से यानी वोवेल से, लेकिन जब इसका हिंदी उच्चारण करोगे तो यूरोपियन य का यूज होगा, यूनिक यूनिक आप लोग कैसे लिखते हो, यूनिक शुरुआत किससे हुआ, य से शुरुआत हो रहा है, ये भी आप लोग का कॉन्सोनेंट हो जाएगा। यूनिफॉर्म ये सारा य से हो रहा है, यूनिवर्स सारा य से। कंफ्यूज मत करना कि वोवेल से शुरू हो रहा है, आप लोग ओ देख रहे हो, ओ एनी वन ओ देख रहे हो यानी एन, नहीं आप लोग एक बार उसका हिंदी उच्चारण कर लेना। ए वन डे टिकट, वन यानी वो नो वो व्यंजन साउंड कर रहा है यानी कॉन्सोनेंट यानी ए का यूज करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट रूल देखते हैं। इफ द वर्ड बिगनिंग विथ अ वोवेल, कोई वर्ड है जो वोवेल से शुरुआत होता है, सिंपल सा बात, अगर वोवेल से शुरुआत होता है इसका मतलब एन का यूज करेंगे। एलिफेंट, एलिफेंट को यहाँ पे एलिफेंट को किस चीज से लिखते हैं, ए से एप्पल, ए से एश, ए से अम्ब्रेला, ओ से एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव ए से। ये जितने भी आप लोग का क्या है, ये सारा स्वर, स्वर को इंग्लिश में बोला जाता है, सबको पता है वोवेल क्या होता है, वोवेल होता है ए आई ई ओ और यू, ये पांच वोवेल होता है। जो भी वर्ड अगर इनसे शुरुआत हो और जब उसका हिंदी उच्चारण करते हैं, अगर वहां पे भी मेरा अ आ ई ई उ ए आई उ औ, ये 11 वर्ड जो अगर आ जाते हैं तो हम लोग स्वर यानी वोवेल का यूज करेंगे, और जहां भी वोवेल वर्ड दिखेगा तो हम लोग वहां पे एन का यूज करेंगे, ओके। नेक्स्ट रूल देखते हैं। इफ द वर्ड बिगिनिंग विथ अ कॉन्सोनेंट बट गिविंग साउंड ऑफ अ वोवेल, बोल रहा है कि कोई वर्ड जो कि कॉन्सोनेंट से शुरू होता है लेकिन जब उसका उच्चारण हम लोग करते हैं तो वो वोवेल साउंड देता है यानी स्वर। देखो सही बात है, हम लोग एल एल बी एल देखते हैं यानी यूज होना चाहिए क्या, कॉन्सोनेंट यानी हम लोग ए का यूज करना चाहिए, लेकिन ये गलत है। एल का जब हम लोग उच्चारण करते हैं तो इसका हिंदी में उच्चारण करते हैं तो ये ऐसे लिखाता है एल, और इसका ये बिगिनिंग क्या हो रहा है ए जो कि वोवेल, और वोवेल के लिए हम लोग एन का यूज करते हैं। कहीं भी कंफ्यूज करने की कोई जरूरत नहीं, आपको कोई भी वर्ड दिखता है तो आप सिंपल सा उसका उच्चारण कर लो, उसको हिंदी में हम लोग कैसे लिखते हैं, इंग्लिश में जाओगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए उसका हिंदी उच्चारण करो। हिंदी में हम लोग कैसे लिखते हैं एल ए एल एल, जैसा ही एल लिखते हैं तो वहां से मुझे साउंड पता चलता है कि वो वोवेल साउंड कर रहा है यानी एन का यूज कर रहे हैं। एम पी दूसरा है, एम पी एम पी एम एम ये वाला एम पहला साउंड क्या है ए, यहाँ पे वोवेल का यूज होगा, वोवेल का यूज होगा मीन्स एन का यूज होगा। तीसरा है एम एल ए, एम एल ए यहाँ पे भी एम हो जाएगा, यहाँ पे भी एम हो जाएगा यानी ए यानी वोवेल। एस पी एन एस पी एस पी एस ये ए वोवेल हो जाएगा। एक्सरे एक्सरे एक्स को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना एक्सरे, पहला साउंड क्या है स्वर साउंड कर रहा है यानी वोवेल यानी एन का यूज करेंगे। एफ आई आर एफ आई सब बोल रहा है, देखो ना यहाँ पे एल एम एम एस एक्स एफ, देखने में क्या लग रहा है कि कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, अगर कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है तब तो मुझे ए का यूज करना चाहिए ना, लेकिन नहीं, पहले इसको हम लोग हिंदी में उच्चारण करेंगे कि एल एल बी को कैसे लिखते हैं, कौन सा साउंड मिलता है हमें, उस अनुसार हम लोग यूज करेंगे कि ए का यूज होगा या एन का यूज होगा। एफ आई आर एफ एफ को हिंदी में हम लोग ऐसे लिखते हैं, पहला साउंड क्या है ए यानी स्वर यानी वोवेल, और वोवेल जब रहता है तो हम लोग एन का यूज करते हैं। चलो नेक्स्ट रूल देखते हैं कि इफ द वर्ड बिगनिंग विथ ए म्यूट एच, देखो शुरुआत तो हो रहा है, सारा देखने से क्या लग रहा है सारा एच से शुरुआत हो रहा है, ये भी एक रूल है, बहुत सारा आप लोग देखोगे तो इतना बेसिक से कहीं भी नहीं बताया जा रहा है। मैंने एक रूल को 5 पार्ट में डिवाइड करके इतने अच्छे से बता रही हूँ ताकि किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि आर्टिकल पे बेस कॉमन एरर और क्लोज शिस्ट बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं।
इसीलिए एकदम बेसिक से आप लोग भी जिस तरीके से मैं पढ़ा रही हूँ आप लोग नोट्स बना लेना, एकदम बिगिनिंग से पढ़ा रही हूँ आप लोग नोट्स बना लेना और जैसे जैसे मैं लेक्चर बनाती जा रही हूँ वैसे वैसे आप नोट करते जाना। ये रूल बोलता है कि इफ द वर्ड बिगिनिंग विथ अ म्यूट एच, देखो यहाँ पे क्या करना है, ऐसे बहुत सारे वर्ड है देखने में क्या लग रहा है सारा एच से शुरू हो रहा है, मीन्स इसके आगे हम लोग को ए लगाना चाहिए। एच क्या है, कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट के आगे ए का यूज करते हैं, लेकिन जब हम लोग इसका उच्चारण करते हैं तो हम लोग आवर्ड, ऐसे तो बहुत कोई बोलता है ना हावर्ड, लेकिन हावर्ड नहीं होता, आवर्ड आवर्ड होते हैं, आवर्ड का अ जो कि स्वर यानी भौवेल भौवेल साउंड करता है और भौवेल के लिए हम लोग एन का यूज करते हैं। ओके एन का यूज करते हैं। हेयर, ये जितना भी आप लोग एच देख रहे हो ना, जब आप लोग इसको पढ़ोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे एच का यूज होगा और कहाँ पे हमको साइलेंट रखना है या म्यूट रखना है। आव, हेयर, ऑनरेबल ना कि होनरेबल, हम लोग चलो बोलचाल भाषा में तो बोल देते हैं ना कि होनरेबल पर्सन, होनेस्ट मैन, लेकिन ये सब गलत है। ऑनरेबल पर्सन, ऑनेस्ट मैन, ऑनररी पोस्ट, ये सब होता है क्योंकि यहाँ पे हर जगह आपका एच साइलेंट रहेगा और एच जो साइलेंट रहेगा तो यहाँ पे ओ ई ओ ओ ओ या जब इसको आप लोग लिखोगे तो हर जगह आपका स्वर स्वर साउंड करेगा यानी भौवेल साउंड करेगा और आप लोग एन का यूज करना। ओके देखो पांच रूल था, मैं जब भी आप लोग को रूल बताऊंगी तो रूल के बेसिस पे मैं आप लोग को कॉमन एरर जिस तरीके का मुझे क्वेश्चन मिलेगा मैं उस तरीके का क्वेश्चन कराऊंगी ताकि आप लोग का हर रूल क्लियर हो जाए। ठीक है चलो इस जो भी रूल मैं आपको बताई हूँ रूल वन उस पे बेस्ड ये तीन क्वेश्चन लिया है मैंने। ठीक है इसी तरीके का क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछे जाएंगे, बैंकिंग का एग्जाम हो या SSC का या कोई भी आप लोग एग्जाम दे रहे हो किसी भी एग्जाम में तो कॉमन एरर इसी तरीके से पूछा जाएगा। चलो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि अंकित रेफर्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू जॉब इन एनी ऑफिस। देखो ये जो क्वेश्चन है ना तो आप लोग को एरर फाइंड करना है कि किस पार्ट में एरर है। ठीक है ऑप्शन दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5 किस पार्ट में एरर है, तो आप लोग पार्ट बाय पार्ट पढ़ते जाना। ठीक है यहाँ पे तो आराम से बता दोगे, क्यों क्योंकि आपको पता है कि मैं आर्टिकल पढ़ा रही हूँ रूल वन है तो आप लोग सबसे पहले बता दोगे कि नाउन खोजोगे और ए एन ही देखोगे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप लोग आगे पढ़ोगे आर्टिकल पढ़ाई उसका नाउन उसके प्रोनाउन जैसे जैसे और लास्ट में मैं जो क्वेश्चन कराऊंगी तब आप लोग को पता चलेगा, अभी तो एटलीस्ट इजी है। चलो देखते हैं अंकित प्रेफर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, कोई एरर नहीं है, अंकित प्रेफर सही है, सेल्फ सिंगुलर सिंगुलर का यूज किया हुआ है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू जॉब इन एनी ऑफिस टू जॉब, यहाँ पे आप लोग को ये क्या दिख रहा है, ये सिंगुलर नाउन है, ये आप लोग का सिंगुलर नाउन है। ठीक है और सिंगुलर नाउन को निश्चित या अनिश्चित बनाने के लिए हम लोग आर्टिकल का यूज करते हैं। ठीक है यहाँ पे आप लोग को कोई आर्टिकल नहीं है, चलो अब आर्टिकल तो ए एन और द तो मैंने पढ़ाया नहीं है। ठीक है तो ए और एन, तो ए का यूज होगा या एन का, जॉब यानी जॉ यानी जॉ, ये व्यंजन साउंड कर रहा है ना, ये व्यंजन साउंड कर रहा है, हिंदी में बता रही हूँ मतलब इंग्लिश में इसका हो जाएगा जे है और जे क्या है कॉन्सोनेंट है, तो आप लोग सिंपल सा आप लोग ए यूज करोगे यहाँ पे, क्या यूज करोगे, अंकित प्रेफर्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू अ जॉब। ठीक है यानी एरर आपको कहाँ मिला है, एरर पार्ट थ्री में मिला, इसी तरीके से आपको एग्जाम में फाइंड करना पड़ेगा कि किस पार्ट में एरर है। ठीक है अगर आपको कोई एरर नहीं मिलता है तो आप लोग फिफ्थ ऑप्शन यानी नो एरर करोगे। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ही इज नॉट रिच सो ही कैन नॉट अफोर्ड टू बाय अ एक्सपेंसिव हाउस, ही इज नॉट रिच बिल्कुल सही है, सो ही कैन नॉट अफोर्ड टू बाय, मैं धनी नहीं हूं क्योंकि मैं इतना एक्सपेंसिव हाउस खरीद नहीं सकता, एन एक्सपेंसिव, मैंने पीछे आप लोग को रूल बताया था, क्या लग रहा है, एन एक्सपेंसिव बिगनिंग विथ भौवेल, भौवेल से शुरू हो रहा है लेकिन जब इसको भौवेल से अगर शुरुआत हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे एन का यूज होना चाहिए, आप लोग देख लो कि भौवेल से शुरू हो रहा है तो एन का यूज करो, नहीं तो आप लोग इसका उच्चारण करो, उच्चारण करोगे तो क्या होता है एक्स एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव ए
वोवेल साउंड कर रहे हैं यानी एन का यूज होगा, यहाँ पे एन का यूज होगा और यहाँ पे ए दिया हुआ है, यानी मेरा एरर पार्ट कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ऑल दो ही इज नॉट अ ऑनरेबल मैन, येट ही इज नॉट अ क्रूक। ऑनरेबल मैन, ऑनरेबल मैंने क्या बोला था, मैंने रूल नंबर 5 पढ़ाया था ना अभी थोड़ी देर पहले। ऑनरेबल मैन, यहाँ पे एच को हम लोग को यहाँ पे म्यूट करना है, अगर म्यूट करोगे तो ऑनरेबल मैन ना कि होनरेबल मैन। बहुत कोई होगा कि एच देख रहा है ए है, कोई एरर नहीं, लेकिन ये गलत है। होनरेबल नहीं होता है, ऑनरेबल होता है, इसको हम लोग अ से बोलते हैं, अ, और ये हम लोग का साउंड कर रहा है स्वर, स्वर यानी भौवेल, भौवेल साउंड कर, और भौवेल के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एन का यूज करते हैं, एन का ना कि ए का। ठीक है, यानी यहाँ पे मेरा एन होगा, यानी एरर पार्ट मेरा कौन सा है, एरर पार्ट मेरा 2 है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर किसी भी तरीके का कोई भी रूल में, मेरा ये आर्टिकल का फर्स्ट लेक्चर था, ठीक है, अगर किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम किसी भी रूल में आता है तो आप या तो स्क्रीन शॉट मेरे कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, नहीं तो आप कमेंट कर सकते हो इस लेक्चर के, जो भी लेक्चर में बताऊंगी उसी लेक्चर के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि यहाँ पे प्रॉब्लम है या यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में वहां पे जरूर हेल्प करूंगी। ठीक है, जिन लोगों ने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लास्ट में भी आप लोगों को बोल रही हूँ कि जिन लोगों ने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि आपको हमेशा हर वीडियो के अपडेट्स मिलते रहेंगे, कौन सा वीडियो आया कौन सा नहीं आया। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।